बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज स्टूडेंट्स हम लोग पाकिस्तान स्टडी के लेक्चर नंबर 3 के हवाले से दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपके ये दोनों टॉपिक जोन से हैं, ये चैप्टर नंबर 9 से हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि चैप्टर 9 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है माशी मनसूबाबंदी की अहमियत, और दूसरा सवाल है ज़रई अहमियत। ये दोनों सवाल आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, इसलिए हम लोग आज चैप्टर नंबर 9 के इन दो लॉन्ग आंसर्स से मुतल्लिक मेन पॉइंट्स की डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे इस अपने टॉपिक के बारे में, जो कि है माशी मनसूबाबंदी की अहमियत के हवाले से। तो हम लोग उसकी अहमियत के पॉइंट को डिस्कस करने से पहले उसकी तारीफ के बारे में चंद लाइनें जो सी हैं वो डिस्कस करेंगे। तो उसकी तारीफ में जो बात बयान की जाती है पहले वर्ड टू वर्ड वो मैं आपको बता दूँ, उसके बाद फिर इस बात को थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में भी मैं आपको बता दूँगा। तो माशी मनसूबाबंदी से मुराद है कौमी मईशत और आवाम की खुशहाली के लिए मुल्की वसाइल को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करना, जिससे मुल्क के लोग अवाम खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सके। यानी इसमें किस बात पर तवज्जो की गई है, इसमें ये कहा गया है कि कौमी मईशत को बेहतर करने के लिए और अवाम की खुशहाली के लिए मुल्क के पास जो वसाइल हैं उन्हें अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए और उन्हें इस तरह बुरे कार लाया जाए कि उससे लोगों की बेहतरी हो सके, लोग एक बेहतर ज़िंदगी बसर कर सकें, उन्हें ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात दस्तियाब हो सके। ये है माशी मनसूबाबंदी का असल मकसद। हमारे मुल्क में माशी मनसूबाबंदी करने के लिए मुख्तलिफ 5 साल प्रोग्राम बनते हैं, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि जितने भी 5 साल मनसूबे आज तक पाकिस्तान में बने हैं, जो कि 8 से ज़्यादा हैं, वो पाकिस्तान में कभी भी अपने हदफ पूरे नहीं कर सके। यानी कि वो कभी भी जिन तवक्कुआत के लिए बनाए गए, जिन बातों को पूरा करने के लिए बनाए गए, वो परसेंटेजें मुकर्रर ही नहीं हो सकी। यानी उन्होंने सोचा होगा कि तालीम को इतने परसेंट डेवलप करना है, ज़रात को इतने परसेंट डेवलप करना है, सेहत के डिपार्टमेंट को इतने फीसद बेहतर करना है, सनत को इतने फीसद बेहतर करना है। तो वो सारी बातें जो ये तय करते हैं 5 साल मनसूबे के अंदर, उनमें से ज़्यादातर पूरी नहीं होती। और पाकिस्तान में अभी तक कोई भी ऐसा 5 साल मनसूबा नहीं है जो कि पूरे 100% टारगेट अचीव कर सका हो। अलबत्ता फिर भी ये मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि मुल्क अगर इसके मुताबिक नहीं चलेगा तो मंजिल का तयन ही नहीं होगा, अपनी आइंदा की चीज़ों को बेहतर करने में मुल्क कामयाब नहीं होगा। इसलिए दुनिया के तमाम मुल्क जो उनसे हैं वो माशी मनसूबाबंदी के हवाले से अपनी सारी प्लानिंग करते हैं और आइंदा अपने इदारों को बेहतर करने के लिए कोशिश करते हैं ताकि आवाम को बेहतर ज़िंदगी मुहैया की जा सके। तो ये तो हमारी होगी थोड़ी सी बात इसके तारीफ के हवाले से, मफहूम के हवाले से। अब हम बात करेंगे इसके अहमियत के पॉइंट के बारे में। आपकी किताब में ये 11 अहमियत के पॉइंट दर्ज किए गए हैं, इनके नीचे 3-3, 4-4 लाइन की डिटेल बताई गई है। मैं आपको हर हेडिंग का आसान लफ्ज़ों में मतलब बताऊंगा ताकि आप लोग जब इस आंसर को याद करें तो आसानी से आप लोग इसको याद कर लें, और आपको जब इस हेडिंग की समझ होगी तो उसके अंदर लिखी हुई लाइनों को अपने लफाज में लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है फीकस आमदनी में इजाफा, दूसरा पॉइंट है कौमी आमदनी में इजाफा, तीसरा पॉइंट है मुलाजमतों की फराहमी, चौथा पॉइंट माशी खुद कफालत, पांचवा पॉइंट है अदायगियों का तवाज़ुन, छठा पॉइंट है सनती तरक्की, सातवा पॉइंट है कम तरक्की याफ्ता इलाकों की बेहतरी, आठवा पॉइंट है फरादी कुव्वत की खप, नौवा पॉइंट है कीमतों में इस्तेहकाम, दसवा पॉइंट है फरात आबादी पर कंट्रोल, और ग्यारहवा पॉइंट है माशी बहरान पर कंट्रोल। ये इसके 11 तमाम हेडिंग्स हैं जो आपकी किताब में दर्ज है, और इनके नीचे आपको कुछ लाइनों की तफसील हर एक में मिलेगी, जो आप लोग लिखेंगे तो एक अच्छा लॉन्ग आंसर जो है वो बन जाएगा।
अब पहली हेडिंग कौन सी है, वो है फी का आमदनी में इजाफा। इसका मतलब होता है एक आदमी की तनख्वाह में इजाफा करना, एक आमदनी को, एक आदमी की आमदनी को बढ़ाना, ये इसका मतलब है। जब किसी एक इंसान की आमदनी में मुसलसल इजाफा होता रहेगा तो उसकी वजह से मईशत भी बेहतर होती जाएगी, मुल्क माशी निज़ाम भी बेहतर होगा और वो तरक्की करता जाएगा। और आदमी जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को ख़रीदने की सलाहियत रखेगा। अगर उसकी आमदनी में इजाफा नहीं होगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, तो उस आदमी की कीमतें खरीद की सलाहियत जो सी है वो ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से मुल्क में गरीब लोगों की परसेंटेज बढ़ जाती है। इसलिए जो मुल्क अच्छी माशी मनसूबाबंदी करते हैं वो फी का आमदनी में मुसलसल इजाफा करते जाते हैं, जिससे लोगों को बेहतर मियारी ज़िंदगी मिलता है। दूसरा पॉइंट है कौमी आमदनी में इजाफा। कौमी आमदनी में इजाफे के लिए एक बताया जाता है फार्मूला कि मुल्क में आबादी की अफजाइश की शरह से ज़्यादा कौमी आमदनी में इजाफे की शरह होनी चाहिए तो वो मुल्क माशी लिहाज से बेहतर है, वो मुल्क माशी लिहाज से तरक्की कर रहा है। तो मैं जरा इसको आसान कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी जो बात की वो शायद कईयों को समझना है। यानी मुल्क में आबादी में जितना इजाफा हो रहा है, कौमी आमदनी में इजाफा उससे ज़्यादा होना चाहिए। यानी नंबर ऑफ पीपल जो से हैं वो जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, मुल्क की आमदनी उससे तेज़ रफ्तारी से बढ़ती जानी चाहिए। हुकूमत को वसाइल को इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि वो मुल्क के लोगों को बेहतर सहूलियात दस्तियाब कर सके। और वो उसी सूरत होता है जब लोग कम हों और वसाइल ज़्यादा हों। यानी हुकूमत के पास पैसे ज़्यादा होंगे, लोग कम होंगे, तो वो अच्छे तरीके से तमाम बुनियादी ज़रूरियात हुकूमत अवाम में दे सके। और अगर लोग ज़्यादा होंगे, हुकूमत के पास पैसे कम होंगे, हुकूमत के पास वसाइल कम होंगे, तो तमाम लोगों को ज़िंदगी की बेहतर सहूलियात दस्तियाब नहीं की जा सकेंगी, तो तब मुल्क के अंदर हालात माशी लिहाज से ख़राब हो जाते हैं। तभी उन्होंने यहाँ कहा कि मुल्क में आबादी के अफजाइश की शरह से मुल्क की आमदनी की इजाफे की शरह ज़्यादा होनी चाहिए। अगला पॉइंट है मुलाजमतों की फराहमी। तरक्की पज़ीर ममालिक में एक ये बहुत बड़ा मसला है कि मुलाजमतों की फराहमी जो सी है वो अच्छी नहीं हो पाती। बेसिकली माशी मनसूबाबंदी का तो मकसद ही ये होता है कि नए नए प्रोजेक्ट्स चलें, नए काम चलें और उसमें लोगों को बेहतर रोज़गार दस्तयाब हो और लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन तरक्की पज़ीर ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये एक मसला है कि वहाँ पर काबिल, हुनरमंद और पढ़े लिखे लोगों को अच्छा रोज़गार ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ती है और बेरोज़गारी बढ़ने की वजह से मुल्क का माशी निज़ाम जो है वो मुतासर होता है। और इसमें वजह क्या होती है कि जो भी वो गवर्नमेंट होती है वो अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाती, वो अच्छे तरीके से अपने वसाइल को इस्तेमाल करके ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं चला पाती, ऐसा काम नहीं कर पाती जिससे वो अपने काबिल, हुनरमंद और पढ़े लिखे लोगों को मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करे, उससे मुल्क की मईशत भी बेहतरी की तरफ जाए और साथ ही मुल्क के उन लोगों को रोज़गार भी मिलता रहेगा। तो अच्छी मनसूबाबंदी अगर की जाए तो मुल्क के तमाम काबिल, हुनरमंद और पढ़े लिखे लोगों को अच्छा रोज़गार मिल पाएगा। माशी खुद कफालत, इसका मतलब होता है सेटिंग का कि अपने बलबूते पर तरक्की करना। यानी आपके पास इतना सरमाया हो, आपके पास इतने वसाइल हों, आप उन्हें इस्तेमाल करके बेहतर तौर पर अपने आप को तरक्की दे सके। तो अक्सर मुल्कों के पास ज़रात और सनत ये तरीक़ेकार होते हैं अपनी मईशत को तरक्की देने के लिए। यहाँ पर आपके पास किताब के अंदर ही सेटिंग के हवाले से ज़रात को बेहतर करने की बातें की गई हैं, क्योंकि हमारे मुल्क की ज़्यादा आबादी ज़रात के पेशे से मुंसलिक है और हमारी आमदनी का ज़्यादा हिस्सा भी ज़रात से आता है, तो इसलिए ज़रात को ही बेहतर करने के बारे में यहाँ बात की गई है। अब ज़रात किस तरह बेहतर होगी, अच्छे बीज फराहम किए जाए, अच्छे स्प्रे और खादों का इस्तेमाल किया जाए, मुल्क में जदीद आलात और औजार ज़रात के हवाले से इस्तेमाल किए जाएँ, लोगों को बेहतर तलीमी सहूलतें मिली हों ज़रात से मुंसलिक लोगों को, तो वो ज़रात के शोबे को तरक्की दें। वो ज़रात को इस लिहाज से लेकर चलेंगे जैसे दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये निज़ाम चल रहा है। तो पाकिस्तान को इसलिए ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान तमाम ज़्यादातर डिपेंड ही इस अदारे पर करता है, इस
महकमे पर करता है। ज़रात का अगर अदारा बेहतर हो जाएगा, ज़रात अगर पाकिस्तान में बेहतर हो जाएगी तो निज़ाम जो है वो अच्छा चलना शुरू हो सकता है। ये बात यहाँ पर ध्यान में रखें कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए दो ही चीज़ें होती हैं, या तो वो ज़रात में बहुत अच्छा होता है या फिर वो सनत में बहुत अच्छा होता है। अगर कोई मुल्क इन दोनों चीज़ों में बहुत अच्छा है तो इसका मतलब है कि उसकी माशी लिहाज से पोजिशन बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है और बहुत अच्छा है, क्योंकि वो दोनों चीज़ों में अच्छा निज़ाम लेके चल रहा है, वो दुनिया के अच्छे तरक्की याफ्ता और बेहतर इकोनॉमी वाले मुल्कों में शामिल होगा। तो पाकिस्तान में क्योंकि सनती शोबा तो इतना ज़्यादा अच्छा तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान में सनती लिहाज से बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर मुझे एक हेडिंग है सनती तरक्की के हवाले से, तो यहाँ से मैं बात बताता जाऊँ कि ये दो चीज़ें हैं, यहाँ पर ज़राअत के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सनत के बारे में। तो अगर किसी मुल्क के सनत को बेहतर कर लिया जाए साथ, तो वो मुल्क बेहतरीन तरक्की करना शुरू कर देता है। जैसे कि इसके अंदर मिसाल आपके पास जापान की है, जापान जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तबाही का शिकार हो चुका हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 में उसके मेन सिटीज तबाह हुए हुए थे, लेकिन उस कौम ने अपने आप को दोबारा से इस्टेब्लिश किया। उन्होंने तमाम काम छोड़कर सिर्फ अपनी सनती तरक्की को बेहतर करना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया चंद सालों में उन्होंने अपनी सनती तरक्की बेहतर की, तो आप लोग जानते हैं कि आजकल तो फिर भी नाम मेड इन चाइना सुनने को मिलता है और मेड इन चाइना की चीज़ें ज़्यादा आपको मार्केट में दस्तयाब होती हैं, लेकिन मेड इन जापान जो है वो एक अलहदा ही अहमियत रखता है, क्योंकि उसकी पायदारी जो सी है वो सबसे अच्छी होती है और अक्सर लोग प्रेफर करते हैं मेड इन जापान चीज़ को ख़रीदना, क्योंकि वो लोगों ने अपना एक मियार बनाया पूरी दुनिया के अंदर, और सनती शोबे में तरक्की करने की वजह से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की इकोनॉमी के साथ मिला लिया। तो अभी कोई जानता नहीं, कोई समझ नहीं सकता कि ये मुल्क वो है जो सेकेंड वर्ल्ड वार में 1945 में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सनत को डेवलप किया और सनत को डेवलप करने से वो अपने आप को माशी लिहाज से बेहतर करने में कामयाब हो गया। इसलिए मैंने आपको बताया कि इस सेटिंग में जैसे ज़राअत की बात की गई और इसमें सनत की, तो ये दोनों अगर किसी मुल्क में बहुत अच्छे हैं तो इसका मतलब है कि उसकी इकॉनमी बहुत अच्छी है। तो अगर कोई मुल्क इन दोनों में से एक जगह पर अच्छा है और दूसरी जगह पर कुछ गुजारा कर रहा है तो वो भी अपनी इकॉनमी को अच्छा चला सकता है, लेकिन अगर कोई मुल्क दोनों में ही अच्छा नहीं है तो इसका मतलब होगा कि उसके लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि पाकिस्तान, पाकिस्तान में सनती लिहाज से तरक्की बिल्कुल ही नहीं हो रही, बहुत कम सनतें हैं छोटे पैमाने की जो कहीं काम कर रही हैं और वो इतना कोई ख़ास फ़ायदा मुल्क को नहीं दे रहे, और पिछले कुछ सालों में वैसे ही सनतें बंद हुई रही हैं काफ़ी अरसे से अच्छी सहूलियात दस्तियाब ना होने की वजह से। तो इस वजह से पाकिस्तान में ये शोबा ज़्यादा फ़ायदा और आमदनी नहीं दे रहा। ये जो ज़राअत है ये कुछ हमारा बेहतरी की तरफ जाता रहा और हमें अच्छी आमदनी देता रहा, तो इसलिए इस शोबे को ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है, साथ इसको भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर किया जाए ताकि वक्त के साथ ये भी इसके साथ मिल जाए और पाकिस्तान एक बेहतर तरक्की याफ्ता मुल्क बन सके। अब ये अगला पॉइंट है जिसमें फाइव वाला अदायगियों का तवाज़न। अदायगियों का तवाज़न का मतलब होता है कि आपकी बरामदात और दरामदात में तवाज़न हो, यानी आप जो चीज़ें बाहर के मुल्क से ख़रीद रहे हैं उतनी ही चीज़ें बाहर के मुल्क में बेच भी पाएँ, या आपने जितनी चीज़ें बाहर के मुल्क में बेची हैं उतनी ही चीज़ें बाहर के मुल्कों से ख़रीदें ताकि आपकी मईशत में खसारा ना हो। तरक्की पज़ीर मुल्कों में ये बहुत बड़ा मसला है कि वहाँ उनकी मईशत में खसारा होता है, वो खसारे का शिकार रहती है, और उसकी वजह क्या होती है कि वो अपनी बनी हुई चीज़ें दुनिया के बाकी हिस्सों में कम बेच पाते हैं जबकि दुनिया के बाकी मुल्कों से चीज़ें ज़्यादा खरीद कर ले आते हैं, जिसकी वजह से उनके पास पैसे नहीं होते उन मुख्तलिफ चीज़ों की अदायगी के लिए, फिर वो उनको कर्ज़ा लेकर अदायगियाँ करते हैं और कर्ज़े की वजह से वो आइंदा कई सालों में उन कर्ज़ों की अदायगी में फंसे रहते हैं। इस तरह उनकी मईशत पर मुसलसल बोझ बढ़ता रहता है और उनकी मईशत पर बोझ बढ़ने की वजह से वो कभी भी अपने निज़ाम को अपनी मर्ज़ी से नहीं चला पाते। इस वजह से भी अदायगियों का तवाज़ुन बेहतर होना चाहिए, यानी कि बरामदात दरामदात में तवाज़ुन होना चाहिए, जितनी चीज़ें आपने बेची हैं उतनी की ही खरीदें ताकि आपको कर्ज़े लेकर अपनी अदायगियाँ ना करनी पड़े। उसके बाद अगला पॉइंट सनदी तरक्की मैं आपको बता चुका हूँ, और ये अगला पॉइंट है सातवां, कम तरक्की याफ्ता इलाकों की बेहतरी।
अब इसमें आप लोगों को किताब में इस हवाले से डिटेल बताई गई है कि हमारे जो मुल्क कम तरक्की याफ्ता हैं, हमारे जो इलाके कम तरक्की याफ्ता हैं, उनको भी बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है माशी मनसूबाबंदी के जरिए। अब पाकिस्तान के कई इलाके हैं जो कि तरक्की में बाकी इलाकों से बहुत पीछे, लेकिन वो मुख्तलिफ हवाले से मादरी वसाइल और कुदरती वसाइल रखते हैं, अगर उनमें अच्छे तरीके से मनसूबाबंदी के जरिए काम किया जाए तो उनकी उन वसाइल को इस्तेमाल करके ना सिर्फ उन इलाकों की तरक्की की जा सकती है बल्कि उसके साथ ही मुल्क की आमदनी में बेहतरी लाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए अच्छी माशी मनसूबाबंदी की ज़रूरत होती है, प्लानिंग की ज़रूरत होती है, और इसके लिए गवर्नमेंट के पास सरमाया भी होना चाहिए जो मुख्तलिफ कामों को स्टार्ट करने के लिए लगाए। तो इसलिए हमारे मुल्क के अंदर ना तो अच्छी मनसूबाबंदी होती है पसमानदा इलाकों को, कम तरक्की याफ्ता इलाकों को बाकी इलाकों के मुकाबले में लाने के लिए, ना गवर्नमेंट इन तरक्याती कामों पर पैसा स्पेंड करती है, जिसकी वजह से हम लोग हमेशा माशी मुश्किल का शिकार रहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो अफरादी कुवत की खपत है। अफरादी कुवत का मतलब होता है लेबरर्स, मजदूर तबका। तो दुनिया के अंदर अफरादी कुवत को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसे उनकी मईशत को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। खपत का मतलब है इस्तेमाल, अफरादी कुवत की खपत मतलब मजदूरों को, लेबरर्स को अच्छे तरीके से मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करना। अब जो मुल्क तो अच्छे हैं, वो प्लान करते हैं अच्छी तरह से, तो वो तो मुख्तलिफ बड़े बड़े तामीराती मनसूबे चला कर अपने इन मजदूर तबकों को इस्तेमाल में ले आते हैं, यानी वो अस्पताल बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, बड़े पुल बनाएंगे, तो इस तरह वो ये काम करके अपने मजदूर तबके को काम में लगाई रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी वो आमदनी में इजाफा भी होता रहता है और साथ मुल्क भी तरक्की करता रहता है। जैसे आप पाकिस्तान में ये एक निज़ाम है जो चाइना के साथ सी पैक का मनसूबा चल रहा है, तो इसके हवाले से है कि वो बार बार आप बातें सुनते हैं ना कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो रोज़गार मिलने की यही बात है कि जब वो एक बड़ा इंटरनेशनल रोड बन रहा है तो उस पर काम करने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, लोग काम करेंगे तो उससे उनके घरों में खुशहाली आएगी, साथ मुल्क जब वो रोड बन जाएगा तो उससे मुल्क में भी लोगों को बेहतर तौर पर माशी लिहाज से तरक्की मिल जाएगी। उसके इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलेंगे इंटरनेशनल तौर पर, उसमें भी लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे। तो इसलिए इस तरह के मनसूबे की मैं बात कर रहा हूँ जो कि अफरादी कुवत को इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट लगाती है, और जो मुल्क इस तरह के मनसूबों को शुरू करती है उससे वो अपनी अफरादी कुवत को बेहतर इस्तेमाल करके अपनी मईशत को भी साथ साथ तरक्की देती जाती है। अगला पॉइंट है सर कीमतों में इस्तेहकाम के बारे में। कीमतों में इस्तेहकाम का मतलब होता है कि कीमतों को एक जगह बरकरार रखना। हमारे मुल्क में तो आप सब जानते हैं कि कीमतें कभी भी चीज़ों की एक जगह बरकरार नहीं रहती। बजट में जब सालाना बजट आता है तो तब भी चीज़ों का रेट बढ़ता है, साथ ही जब बाद में बाकी महीनों में भी ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को तो तब भी वो चीज़ों के रेट बढ़ाती जाती है, जबकि दुनिया में हर जगह ऐसे नहीं होता। कई मुल्कों में तो कई कई साल कई चीज़ों के रेट बढ़ते ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की माशी मनसूबाबंदी इतनी अच्छी होती है कि उन्हें रेट बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और वो मुस्तकिल तौर पर चीज़ों के कई साल तक रेट बरकरार रखते हैं। तो हमारे मुल्क में मैंने अभी बताया आप लोगों का निज़ाम ये चलता है कि बजट में भी चीज़ का रेट बढ़ा दिया नए टैक्स लगा कर, और बजट के बाद भी जब हुकूमत को ज़रूरत पड़ी तो तब भी पैसे बढ़ा दिए। अब ये क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपने मुल्क को चलाने के लिए पैसे नहीं होते। उसने मुख्तलिफ बैंकों से, जैसे वर्ल्ड बैंक से, एशियाई तरक्याती बैंक से या किसी अपने दोस्त मुल्कों से कर्ज़ा लिया होता है, वो कर्ज़ा लेकर वो वक्ती तौर पर गुजारा तो कर लेते हैं अपना, लेकिन जब कुछ महीने गुजर जाते हैं तो फिर उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं और वो अपने निज़ाम को मज़ीद बेहतर करने के लिए फिर अवाम पर टैक्स लगाते हैं। अवाम के इस्तेमाल में आने वाली ज़्यादा चीज़ों पर टैक्स लगाकर वो अपनी आमदनी को बढ़ाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, जिससे वो अपना कर्ज़ा भी अदा करते हैं, साथ ही वो आइंदा महीनों के लिए अपना जो निज़ाम चलाना होता है उसको भी बरकरार रख पाते हैं। तभी कीमतों में पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं रहता, तभी आपको मुख्तलिफ महीनों में अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों में मुसलसल कीमतों में इजाफा नज़र आता है। तो अगर हमारा मुल्क एक अच्छा इकोनॉमिक प्लान तैयार करे और अपने वसाइल पर भरोसा करते हुए अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाए तो फिर हमें ये कर्ज़े लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमारे भी मुल्क के अंदर चीज़ों के रेट एक जैसे ही रहेंगे,
और उसमें ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, वहाँ पर मेजर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन ये सारी बात किससे मुंसलिक की किताबों ने, अच्छी मनसूबाबंदी से, अच्छी मनसूबाबंदी होगी तो ये इंतजाम भी अच्छा हो सकता है। अगला पॉइंट है जी फातह आबादी पर कंट्रोल। इसका मतलब होता है कि बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाना। अफराते आबादी पर कंट्रोल का मतलब है बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाना, क्योंकि ये भी एक पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए मसला है कि अगर हमारे जैसे मुल्क जो से हैं इकोनॉमी में तरक्की करने की कोशिश करते भी हैं, कोई मेहनत करते हैं, कोई अच्छी प्लानिंग करते हैं, तो वो इसमें कामयाब इसलिए भी नहीं हो पाते क्योंकि वो अपनी आबादी को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने जो 5 साल मनसूबे तैयार किए होते हैं, जो प्लान किया होता है, वो जितने लोगों के लिए किया होता है 5 साल बाद लोग जो से हैं उससे कुछ गुना ज़्यादा इजाफा हो जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने अगर प्लान किया जी कि हमारे पास 20 करोड़ आबादी होगी, उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन आबादी 20 की बजाय 22 या 23 करोड़ हो गई, तो वो जो 2-3 करोड़ लोग बढ़ गए गवर्नमेंट की, तो प्लानिंग में वो लोग आए नहीं थे, इसलिए उसकी वजह से बाकी सारा मनसूबा भी मुतासर हुआ और बाकी इदारों को मिलने वाले पैसे लोगों तक मुनासिब सहूलियात नहीं पहुंचा सके। इस वजह से कुछ लोगों को हकूक मिल जाते हैं, कुछ लोगों को हकूक नहीं मिलते। तो अगर गवर्नमेंट आबादी को मुनासिब तरीके से बढ़ने दे तो तब फिर वो माशी निज़ाम को उस लिहाज से प्लान करके अपनी आबादी के लिए बेहतर सहूलियात दस्तियाब कर सकती है। और आखिरी पॉइंट है जी इसके अंदर माशी बहरान पर कंट्रोल। माशी बहरान पर कंट्रोल का मतलब है कि आपके पास अगर मईशत में बहुत ज़्यादा खसारा है, आप लोग मईशत में बहुत तबाह हो चुके हैं, तो आप लोग इन पॉइंट्स पर अमल करके अपनी मईशत को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन उसमें से ये नहीं है कि उसमें से आपको 2-1 पॉइंट पर अमल कर लें और बाकियों पर आप अमल ना करें और समझें कि हम मईशत में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये सारे ही पॉइंट ज़रूरी हैं। तो किसी भी मुल्क में जब माशी बहरान आ जाता है तो अगर वो इन पॉइंट्स पर अमल करके इनको अच्छे तरीके से चलाए तो वो अपने निज़ाम को बेहतर करने की तरफ ले जा सकता है। तो ये जी स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने कुछ वजाहत पेश की चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 1 माशी मनसूबाबंदी की अहमियत के हवाले से। ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे पॉइंट्स जो से। इसके बाद जी स्टूडेंट्स तो हमारा दूसरा टॉपिक जो सा है वो है इजरायली अहमियत के बारे में। ये आपका चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर आपकी किताब में तकरीबन 18-19 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने जो कुछ ज़्यादा अहमियत वाले पॉइंट्स थे वही आपके सामने यहाँ तहरीर किए। बाकी पॉइंट जो से वो बहुत ज़्यादा आसान है, उनको 1 या 2 लाइनों में किताब में बयान किया गया है, तो उनको आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो वो आसानी से आपको समझ आ जाएगा, इसलिए उनकी कोई खास वजाहत की ज़रूरत नहीं थी। तो हम लोग इन पॉइंट्स पर बात करने से पहले थोड़ी सी बात ज़रात के हवाले से करेंगे। जैसे कि अभी हमने जो पहला टॉपिक डिस्कस किया उसमें भी ज़रात के बारे में एक हेडिंग आई थी, तो मैंने थोड़ी सी बात उसमें भी आपको बताई कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और वो ज़रात पर ज़्यादा इंसार करता है, इसलिए अगर पाकिस्तान में ज़रात का शोबा अच्छा चलेगा तो पाकिस्तान के अंदर माशी लिहाज से तरक्की भी बेहतर हो सकेगी। ये बात आप ध्यान में रखें कि पाकिस्तान के क़याम से पहले हमारे लोगों का ज़्यादा दारोमदार ज़रात पर ही था, क्योंकि बरतानवी हुकूमत में भी हमारे लोगों को संतों में या सरकारी मुलाजमतों में ज़्यादा हिस्सा नहीं मिला था। इस वजह से हमारे लोग ज़रात के ज़रिए ही अपनी रोज़ी का बंदोबस्त करते थे, तभी से इनकी आदत पड़ी हुई है। ये ज़रात के शोबे से मुस्लिम थे, तो जब पाकिस्तान बना तो तब भी हमारी हुकूमत ने, हमारी आवाम ने कुछ ज़रात पर ख़ास तवज्जो नहीं दी और उन्होंने अपना निज़ाम जो है ज़रात में ही बेहतर करना शुरू किया। इस वजह से यहाँ पर ज़रात की अहमियत को बयान किया गया, क्योंकि ये चैप्टर माशी मनसूबाबंदी का है और जारी बात है इसमें उन शोबों पर बात की जाएगी जो हमारी मईशत को तरक्की दे सकते हैं। तो उसमें आप ज़रात को एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए बताया गया, उसके कुछ मेन पॉइंट मैंने लिखे हैं। जैसे पहला पॉइंट जो है वो गज़ा की फ्राहमी है, दूसरा रफ़तावर फसलें हैं, तीसरा पॉइंट ज़रात और रोज़गार है, चौथा पॉइंट कौमी आमदनी है, पाँचवा पॉइंट आबपाशी का निज़ाम है, छठा पॉइंट ज़रई इस्लाहात का है, सातवां पॉइंट पुख्ता सड़कें हैं, आठवां पॉइंट तलीमी सहूलियात, नौवां पॉइंट सेहत और दसवां पॉइंट मनसूबाबंदी की ज़रूरत और 11वां पॉइंट ज़रई बैंक है। तो ये पॉइंट्स के बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी तफसील बता रहा हूँ, तो ये ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं हैं।
कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसको समझने में दुश्वारी हो, अलबत्त इसको ज़रा समझिए ज़रा, जो पाकिस्तान के तकरीबन 60% लोगों का ज़रिया माश है, हमारे मुल्क में तकरीबन 60% के करीब लोग इसी को इख्तियार करते हैं अपनी रोज़ी कमाने के लिए। तो इसलिए जब इतने ज़्यादा लोग इसको इख्तियार करते हैं तो पाकिस्तान में गज़ा की फरहमी जो सी है वो मुमकिन हो पाती है। गज़ा की फरहमी में गंदम, चावल, बाजरा, जो वगैरह हैं जो कि हमारे मुल्क में गज़ा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हम लोग इनकी वाफर मकदार अपने मुल्क में हासिल करते रहे जिससे हमारे मुल्क की जो गज़ाई ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। दूसरा पॉइंट है नकद आवर फसल। नकद आवर फसलों को जैसे इंग्लिश में आप लोगों ने पहले स्कूल लेवल में कैश क्रॉप्स पढ़ा हुआ है, उसको उर्दू में नकद आवर फसलें कहते हैं। ये फसलें इसलिए नकद आवर फसलें कराती हैं क्योंकि इनसे किसान को अच्छा सरमाया मिलता है, जिनमें शामिल होती हैं गन्ना, उसके अलावा कपास, उसके अलावा तंबाकू। ये तीन फसलें ज़्यादातर नकद आवर फसलों में शुमार की जाती हैं, जिसकी वजह से किसान को अच्छा मुनाफा मिल जाता है और उसकी जो माशी सूरत हाल वो बेहतर होती है। पॉइंट नंबर 3 है ज़राअत और रोज़गार। ज़राअत और रोज़गार में अमूमी तौर पर जो बताई गई है बात वो ये है कि लोगों के लिए ये एक इबादत का दर्जा रखती है, ये लोग इबादत के तौर पर इख्तियार करते हैं क्योंकि अल्लाह के भरोसे पर होते हैं। हमारे यहाँ पर ज़रा निज़ाम कदीम हवाले से शुमार होता है, हमारे यहाँ पर सालों पुराना जो तरीक़ेकार ज़राअत में इख्तियार किया जाता है और वो अल्लाह के भरोसे पर उसी निज़ाम को लेकर अपनी ज़राअत के पेशे को आगे बढ़ा रहे हैं और पैदावार का इंतज़ार भी इसी बात पर होता है कि अल्लाह से दुआ करें और जितनी अच्छी पैदावार हो जाएगी वो हमारे लिए अल्लाह की तरफ से एक नेमत होगी। यहाँ पर बहुत कम ऐसे बड़े ज़िम्मेदार हैं जिनके पास जदीद खादें हैं, स्प्रे हैं, औजार और मशीनरी है जिससे वो ज़राअत के शोबे को इख्तियार किए होंगे। इसलिए हमारे यहाँ पर लोगों को ज़राअत जो सी है वो एक इबादत के दर्जे के तौर पर तस्लीम की जाती है। आगे कौमी आमदनी, यानी ज़राअत का हमारे कौमी आमदनी में कितना हिस्सा है। ज़राअत जो सी है वो पाकिस्तान जब बना था उस वक्त तकरीबन 60% के करीब हमारी कौमी आमदनी में हिस्सा डालती थी, यानी हमारी कौमी आमदनी में 60% पैसा ज़राअत की तरफ से आता था। लेकिन अब ये गुजरते सालों के साथ परसेंटेज कम होती जा रही है, अब राउंड अबाउट 24% पर है, 24% पर है कि ज़राअत जो सी अब पाकिस्तान की आमदनी में 24% तक हिस्सा डालती है। उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ पर अभी जैसे मैंने बात की कि पुराने तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे अच्छी पैदावार नहीं होती, आबादी बढ़ रही है वो कंट्रोल नहीं हो रही, उसके अलावा हम लोग बड़ी मंडियों को तलाश नहीं कर पाए दुनिया के अंदर जहाँ पर हमारे ताल्लुकात की बना पर हम अपनी चीज़ें भेज सकें। तो इस तरह की बहुत सारी वजूहत जिसकी वजह से हम लोग अपनी कौमी आमदनी में अभी इजाफा नहीं कर पा रहे, अगर आप इस पर तवज्जो करेंगे तो मज़ीद बेहतर हो सकती है। अगला पॉइंट जो है आपाशी का निज़ाम। आपाशी का निज़ाम मतलब नहरी निज़ाम जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में नहरी निज़ाम तकरीबन 150 साल पुराना है, ये अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आकर बेहतर किया था और 150 साल से भी ज़्यादा ये पुराना निज़ाम जो आपाशी का है ये आज तक चल रहा है। हम लोगों के मुल्क में ज़्यादातर जो निज़ाम है अभी तक वो अंग्रेज़ों का ही बनाया हुआ है जो कि वैसे चलता जा रहा है, हमने उसमें बहुत कम तब्दीलियाँ की, उसमें बहुत कम तरीके से जदीद चीज़ों को शामिल किया। तो जारी बात अब इतने सालों पुराना ये निज़ाम है तो वो वक्त के साथ साथ अपनी अहमियत खो रहा है, उसको साथ साथ बेहतर करना चाहिए जो हमारे लोगों ने नहीं किया। हमारे मुल्क में 70% लोगों का इंसार नहर के पानी पर ही है, वो नहर के पानी से ही अपनी फसलों को सैराब करते हैं। 30% लोग ऐसे हैं जो कि हमारे मुल्क में ट्यूबवेल से या बारिश के पानी से फसलों को सैराब करते हैं और उससे अपना गुजारा करते हैं। तो इसलिए हमारे मुल्क में अगर ये निज़ाम बेहतर होगा, मज़ीद डैम बनेंगे, मज़ीद पानी को स्टोर करने की सलाहियतें बनेंगी तो वो मुल्क की ज़राअत के लिए बेहतर होंगे। ज़रिए साहब मतलब ज़राअत को बेहतर करने के लिए जो कानून साजी हुई, जो नए नए प्रोग्राम बनाए गए हुकूमत की तरफ से, इसमें सबसे पहला प्रोग्राम बना था 1959 में, दूसरा बड़ा प्रोग्राम बना 1972 में, तीसरा बड़ा प्रोग्राम बना 1977 में। तो ये कुछ बड़े मनसूबे थे जो कि ज़राअत को बेहतर बनाने के लिए किए गए। अब इनमें होता क्या है कि इनमें बेसिकली ज़िम्मेदार और मज़ारे के ताल्लुक को बेहतर करने की बात होती है, यानी इनका ताल्लुक क्या बेहतर करना होता है, क्योंकि ज़िम्मेदार तो पैसा खर्च कर रहा है
काम तो सारा मजारा कर रहा होता है, तो वो मजारा जो मजदूर है जो कि काम कर रहा है, अगर उसको अच्छी आमदनी मिलेगी, जिमीदार उसका ख्याल रखेगा तो वो ज़्यादा मेहनत से काम करेगा जिमीदार की फसल पर, और जिसकी वजह से जिमीदार को भी फायदा होगा, मुल्क को भी फायदा होगा, मजारे को भी फायदा होगा, क्योंकि जब अच्छी पैदावार मिलेगी जिमीदार को भी अच्छा पैसा मिल जाएगा, जिमीदार को अच्छा पैसा मिलेगा वो मजारे को अच्छे पैसे देगा, और उसकी वजह से जो बड़ा फायदा होगा मुल्क को होगा, अच्छी पैदावार मिलने से मुल्क की ज़रूरत पूरी होगी, मुल्क जो है आगे उसको दुनिया के दूसरे मुल्कों में भेज कर माशी लिहाज से मजबूत हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी इस्लाहात जो जी पाकिस्तान में नाफिज हुई उनमें कोशिश की गई कि इस शोबे को बेहतर किया जाए। सहत मंडल पुख्ता हमारे अमूमन देहात से शहरों तक आने के लिए पुख्ता सड़कें नहीं हैं, कच्ची सड़कें, उन कच्ची सड़कों पर गर्द होती है, गंद होता है जो कि रास्ते में आते हुए मुख्तलिफ जो ज़रिए जनास है उन पर पड़ता है, जिससे उन्हें मार्केट में अच्छे दाम नहीं मिलते, और वैसे भी वो आते रहते टाइम ज़्यादा लग जाता है उन कच्ची रोड्स पर, तो उनकी जो अफादियत है उनकी जो अहमियत है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि वो ज़्यादा पुख्ता रोड बनाए ताकि सही अच्छी चीज़ें जल्द मार्केट में पहुँच सकें और उनके अच्छे दाम किसानों को मिल पाए। तलीमी सहूलियात वली में किसान को तलीम याफ्ता बनाने की तरफ बात की जा रही है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर ज़रात के शोबे से मुस्लिम लोग जो से हैं वो अनपढ़ होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें ज़्यादा वाकफियत ही नहीं होती जदीद दौर से, इसलिए ये बात की जा रही है कि अगर हमारे लोग पढ़े लिखे होंगे जो इस शोबे से मुस्लिम हैं तो वो दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाले दूसरे तरीक़ाकार को इस्तेमाल करके इस शोबे को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। 9.1 से वो सेम तौर के बारे में, यानी सेम तौर को ख़त्म किया जाए, हमारे मुल्क की बहुत सारी ज़मीन जो सी है वो सेम तौर की वजह से बंजर होती जा रही है, और उसकी वजह से उस पर ज़रात के पैदावार को अच्छा हासिल करना नामुमकिन हो चुका है। ये सेम तौर ज़्यादातर उन इलाकों में होती है जो कि किसी दरिया या नहर के करीब के इलाके होते हैं, वहाँ पर पानी की मकदार जेर ज़मीन बढ़ जाने की वजह से, नमकियात बढ़ जाने की वजह से उस ज़मीन पर वो एक वाइट सा कलर आ जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन सख्त हो जाती है, बंजर हो जाती है, और उसमें फसल काश करना जो मुमकिन ही नहीं होता, जो कि आपका आजकल के दौर में फिर भी कुछ तरीके निकल आए हैं, केमिकल्स निकल आए हैं जो कि ज़मीन में एक दफा चला के डाले जाएँ तो ज़मीन को कुछ काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो वाली जरखेज़ी वो वाली पैदावार वापस नहीं आती जो कि उसकी पहले होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि दरख्तों को नहरों के किनारों पर लगाया जाए ताकि वो ज़मीन के अंदर मौजूद अजाफी नमकियात को जज़ब कर लें और इर्द गिर्द के इलाकों में सेमो तौर को पहले ना दें। ये कुदरती और आसान हल है सेमो तौर को कंट्रोल करने का। उसके बाद अगला पॉइंट है मनसूबाबंदी की ज़रूरत 10 बार। इसमें बात बताई गई है कि किसान जो है वो अपने जो आधा दिन तकरीबन फारग रहता है, अगर उसको अपने उस आधे दिन में भी कुछ माशी सूचियाँ बेहतर करने के लिए काम पर लगाया जाए तो वो माली लिहाज से मजबूत हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जदीद मशीनरी को, जदीद आलात को, जदीद स्प्रे और खातों बीजों को इस्तेमाल कर सकेगा अपने इस काम के लिए, क्योंकि अमूमन जो हमारे ज़रात के शोबे से मुंसलिक लोग हैं वो अपना ज़्यादा वक्त फारग ही गुजारते हैं बाद में दोपहर के, तो अगर उनके लिए अच्छा प्लान किया जाए, उन्हें मुख्तलिफ कामों में मज़ीद काम करने की वजह से तरबियत दी जाए तो वो अपनी माशी सूरतेहाल माली लिहाज से बेहतर कर सकते हैं। और आखिरी पॉइंट जो सर ज़रई बैंक का ध्यान, अब जो लोग माली लिहाज से बेहतर नहीं है फिर गवर्नमेंट ने उनके लिए एक अलहदा बैंक बनाया हुआ है जिसको ज़रई तरक्याती बैंक कहते हैं, जिसके अंदर कम अरसे के लिए और ज़्यादा अरसे के लिए कर्जे दिए जाते हैं ताकि जिनके पास पैसे नहीं हैं वो इन बैंक से कर्जा लेकर अपने मशीनों को, अपने आलात को, अपने लिए बीजों को, खातों को, स्प्रे को खरीद सकें, इस तरह उनके निज़ाम को बेहतर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये दो टॉपिक मैंने आपके सामने बयान किए हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, आप लोग इनको मज़ीद किताब से स्टडी कीजिएगा और नेक्स्ट टाइम मुझसे इस मुतल्लिक बात को पूछ लीजिएगा। खुदा हाफिज़।